स्पीडो बस सर्विस बंद कर दी गई है। निजी कंपनी ने स्पीडो बंद करने का लेटर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को भेज दिया है। हुकूमत की जानिब से वाजिबात अदा ना करने पर बस सर्विस बंद की गई है। एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एहसन, फिर क्या बताया गया कि वाजिबात कब तक अदा कर दिए जाएंगे? मारूफ अभी तक इस हवाले से इंतजामिया का कोई मौका सामने नहीं आ सका। तहम गुजशत बरस दूसरे फेज में स्पीडो बस सर्विस का बाकायदा आगाज किया था, जब वजीर आला हमजा शहबाज भावलपुर के दौरे पर थे, उन्होंने स्पीडो बस सर्विस की दोबारा बहाली का ऐलान किया था, जिसके तहत 12 बसें जो थी वो भावलपुर लाई गई थी। और उसके बाद जो निजी कंपनी की जिला इंतजामिया अदम अदायगी के बाद ना दहिंदा होती चली गई, जिसके मुताबिक बार रिमाइंडर्स उनको दिए गए, लेकिन अब तकरीबन 16 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की जो मालियत है ये निजी कंपनी की ना दहिंदा हो चुकी है। गुज़िश्ता 1.5 माह से सिर्फ 4 बसें ट्रैक पर चलाई जा रही थी और रिमाइंडर्स की सूरत में जिला इंतजामिया को इस हवाले से किया जाता रहा, तहम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा आज तक मुकम्मल 1 साल चलने के बाद आपका शुक्रिया आपका।